कनिष्क कितना ठीक लग रहा है, है ना? सच्ची रोज तुमने अगर मुझे वो क्या वो मैराथन के बारे में नहीं बताया होता ना, तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। मैं पता नहीं कैसे तुम देविका, तुम सोचता है कि ये मैंने किया, ये सब गॉड ने किया, जीसस ने किया। सही बात है, पांडुरंग की कृपा से सब ठीक हो गया। और पता है वो केतकी और कल्याणी, वो भी तो पैसे लाए थे, वो पैसे भी बच गए और ऑपरेशन में खर्चा भी कम हो गया। तुम ऐसा क्यों नहीं करता, जो बाकी पैसे से अपना घर ले लो। हाँ? नहीं? तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिले हैं, बड़ा ये मत समझना मैंने तुम्हें अपना फायदा उठाने दिया। तुम्हारे साथ 3 फिल्म की डील साइन की है मैंने, वो भी अपने टर्म्स और कंडीशंस पर, याद रखो। हाँ, मगर ये 3 फिल्म के पैसे भी मुझे एक एक करके मिल जाते हैं, आपने एक साथ दे दिया। मैंने अभी तक अपने हुनर को पूरी तरह से साबित भी नहीं किया है, क्या पता मैं कैसे गा पाऊंगी। आप जैसा चाहते हैं वैसे गा भी पाऊं या नहीं, फिर भी आपने मेरे हुनर पर भरोसा किया और इस भरोसे का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये जो बड़े शब्द होते हैं ना, एहसान, भरोसा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात याद रखो, बॉम्बे में इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी पर एहसान नहीं करता, सौदा करते हैं। सौदा। तुम्हारे पास खूबसूरत आवाज है जो मैं बेच सकता हूं, और मेरे पास उस हुनर की कीमत है, और कुछ नहीं। और तुमने उस दिन उस कॉम्पिटिशन में जो जो परफॉर्म किया, तुम्हारा तुम्हारा वो गाना, तुम्हारा वो नाचना, और मैं तो तुम्हें देख, बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगा। और आई, ओ, तुम्हारी आई तो कमाल की औरत है, महान। मानना पड़ेगा वैनी को। और कल्याणी को भी सही वक्त पे पैसे मिल गए। वैसे ये विक्रांत खन्ना है ना, ये इतनी आसानी से पैसे देता नहीं है। कैसे नहीं देगा, 3 फिल्म की डील साइन करी है। क्या उसने साइन? लेकिन मैंने उससे कहा था। राव जी, छोड़ो ना काम की बातें, आप कल आओगे? हाँ? कल सुबह चाल छोड़ रहे हैं, सब आपका इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है। अरे ये तो उलझ गए, मैं मदद कर दूँ? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जब रिश्ते उलझ सकते हैं तो ये तो सिर्फ एक माला है ना। सब ठीक है ना सौरभ जी? हाँ क्यों नहीं, सब ठीक है। तुमने विक्रांत खन्ना के साथ वो 3 फिल्म की डील भी साइन कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, सब ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, मैं आपको बताती हूँ। देखो ताई, जल्दी करो, आई पूजा के लिए बुला रही है। आप चलिए ना। नहीं नहीं, मुझे किसी से मिलना है, मैं निकल। अरे सौरभ जी चलिए ना, फिर मुझे आपसे बात भी करनी। देर हो रही है, कह रहा हूँ वैनी को कह देना मेरा कुछ जरूरी काम। बाय कनिष्क। कल्याणी तो परेशान हो जाती, और फिर केतकी को सितार से दूर रखना तो नामुमकिन है ना। आप मुझे इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हैं सौरभ जी? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सौरभ जी,